नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर लगाई गई कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जहां कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर साइड इफेक्ट और हृदय रोग जैसे बातें सामने आ रही है, जिसके चलते कोविशील्ड लगवाने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। वहीं कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी संजय मिश्रा से जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के बीच ऐसी चर्चा चल रही है, लेकिन कोविशील्ड वैक्सीन पूरी तरह से टेस्टेड है। वहीं जिले में 17 लाख लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई है, जिसमें किसी भी प्रकार का अब तक कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला है। वहीं हृदय रोग की बात करें तो कई तरीकों से आज के समय में हृदय रोग के मरीज बढ़ रहे हैं, जिसमें ज्यादा स्ट्रेस, खान पान, नशा आदि से हृदय रोग के मरीजों में इजाफा हुआ है। यह कहना गलत है कि कोविशील्ड वैक्सीनेशन के बाद हृदय रोग में मरीज बढ़े हैं। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया में काफी भ्रामक किया जा रहा है कि वैक्सीन जिन्होंने लगाई है काफी इफेक्ट हो रहा है, क्या है? कोविशील्ड वैक्सीन सबसे ज़्यादा लगी है हमारे ज़िले में, भी करीब 14.5 लाख कोविशील्ड वैक्सीन लोगों को लगाई गई है और दूसरी और तीसरी डोज भी इसके अलावा लगी है। एक ये धारणा और एक ये कहना चाहिए चर्चा चल रही है लोगों में, कुछ वैज्ञानिकों कुछ डॉक्टरों के द्वारा, कि जो टीकाकरण हुआ कोविड का उसके बाद लोगों में कुछ समस्याएँ बढ़ी, विशेषकर हृदय रोग से संबंधित। लेकिन मेरा ये मानना है कि वैक्सीन का बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब टेस्टेड वैक्सीन रही हैं, लगने के पहले अच्छी तरह टेस्ट कर लिया जाता है इनका। और वैसे भी हृदय रोग पहले से ही लोगों में अब बढ़ रहे हैं, कम आयु के लोगों में भी हृदय रोग हो रहे हैं, मध्यम आयु और वृद्ध लोगों में भी इसकी जो तादाद है वो बढ़ी है रोगियों की। उसके अलग अलग कारण हैं, खान पान, दिनचर्या, उनकी क्या वर्किंग कंडीशन क्या है, लोगों की स्ट्रेस कितना है काम में, कितना तनाव है काम में, ये सब फैक्टर हैं, ये सब कारक हैं जिनसे हृदय रोग बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए हम वैक्सीन को ही पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं कर सकते, ये लोगों के दिनचर्या, खान पान और अन्य बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ यदि साथ में है तो उस पर निर्भर करती है। सोशल मीडिया में जिस तरह चल रहा है तो उस पर उसमें तो मैं यही कहूँगा कि वैक्सीन से कोई ऐसा दुष्प्रभाव मुझे मेडिकली प्रतीत नहीं होता है, लेकिन अब चूंकि चर्चा में बात आई है तो चर्चा तो होगी ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा नहीं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।